तो दोस्तों क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम हमने चालू कर दिया था। उसमें 1.3 तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट है 1.2 1.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक निकाल दीजिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करिए, क्या लिखा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब हमें कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ। हमें कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि पार्ट वन में देखिए दे रखा है 36/100। फिर दे रखा है सेकंड में 1/11। फिर थर्ड पार्ट में दे रखा है, या हाँ थर्ड पार्ट देख लीजिए, 4/1/8 दे रखा है। ठीक है, ऐसे बाकी और 3 पार्ट हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बताने कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब क्वेश्चन फिर से रीड करिए। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। पहले तो हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। फिर हमें बताइए कि कमेंट करिए कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस फॉर्म में है, मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। सबसे पहले तो इसे डिवाइड करिए, तभी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो देखिए पहले क्या है, 36/100। तो 36/100 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये तो पता होगा, या तो ऐसे करके डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, या हमें यह भी पता है जितने नीचे जीरोस होते हैं उतने ही बाद यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर नंबर क्या था 36, नीचे कितने जीरो है, दो। तो दो नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 2 यहाँ डेसिमल लगा 0.36। या तो ऐसे करके सॉल्व करो, या वरना यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, 375 करा। ठीक है, पर ये ज्यादा ईजी है। डेसिमल लिया 6, 0.36। ठीक है, तो अब बताओ कमेंट करो, डेसिमल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया, अब ये किस टाइप का नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अच्छा देखो मैंने बता दिया कि टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग हम किस में चेक करते हैं, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में। तो यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब ये टर्मिनेट हो जा रहा है तो चाहे वो रिपीट करे या ना करे, फिर हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं होती। जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है सिर्फ हम चेक करते हैं कि रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। कैसे पता लगाया, कि डेसिमल के बाद जो डेसिमल अब कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। ठीक है, जो डिविजन है वो यहाँ पर रिमाइंडर अब जीरो आ चुका है। तो जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तब हम बोलते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डिवीजन यहाँ जाके अब टर्मिनेट हो गया। आपने सुना होगा कंप्यूटर लिखा था, योर कंप्यूटर हैज बीन टर्मिनेटेड। तो टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, जब वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन जाके दो प्लेस के बाद डिवीजन रुक गया है। और वैसे भी मैंने फर्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम है, तो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने पूरा कवर कर लिया था, मैंने पहले ही टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा 1/11, अब इसे डिवाइड करके देखिए। ठीक है, ये वैसे आप भी कर सकते हैं, चलो मैं कर देता हूँ। 1/11 तो 0.0 करा, अब भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो और एक जीरो लो, 100। अब क्या होगा, 9, 99। फिर 1 बचा, ठीक है 1 आया, तो फिर डेसिमल है, एक जीरो आया, अब भी काम नहीं बनेगा क्योंकि 11 है, ये 10 हुआ, तो और एक जीरो, तो 100, तो फिर 9 देना पड़ेगा, तो 99। ठीक है, तो नंबर क्या बनता रहेगा, 0.0909। उसके बाद भी फिर से बना गया ना, यहाँ जैसा बनाया था, तो फिर से जीरो, फिर एक जीरो लगाओगे, फिर से और एक जीरो, फिर 9, तो यही चलता ही रहेगा, 0909। तो जो नंबर बना वो क्या बना, 0.09090909.. तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.09 के ऊपर बार लिख दूं, क्यों, क्योंकि 0 और 9 ही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, समझ में आया। और ये कैसा नंबर हुआ, तो डेसिमल फॉर्म में मैंने लिख दिया, और ये नंबर कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल कभी रुक नहीं रहा इसका, और रिपीट हो रहा है क्या, हाँ रिपीट क्या हो रहा है, 0 9 रिपीट हो रहा है बार बार, तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट।
नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? रैशनल नंबर की। देखो 1/11 रैशनल नंबर की तो है ये, पी बाई क्यू फॉर्म में। 4/1/8 देखो, ये पहले मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, जो सिंपल फ्रैक्शन बनाओ तो 4 2 32, 32 + 1 33, तो 33/8। अब इसको डिवाइड करो, 33/8 तो 8 4 जा 32, बचा 1.08, 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 2, फिर 0 16 4 0 85 जा। तो यहाँ जाके डेसिमल मतलब यहाँ जाके डिवीजन रुक गया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? ये मैं पूरा करके क्यों दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता था। आपको चेक करते रहना है कि कहाँ जाके रुक रहा है वो, या कहाँ जाके रिपीट हो रहा है, रिपीट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या है? 4.125। तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेट कर गया, रुक गया, तो टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया। तो सिंपल ये क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें बोला था कि इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये कर दिया। कैसे करा? डिवीजन परफॉर्म करके, नॉर्मली डिवाइड करके देख लिया। फिर अब इसको देखो, डेसिमल रुक जाता है तो टर्मिनेटिंग, जैसे कि मैंने बताया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। यहाँ डेसिमल चलता ही जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीट हो रहा है 0.9, तो रिपीटिंग में लिख देंगे। तो अगर पूछे विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 1/11 इज, तो हम बोलेंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीट हो रहा है। फिर ये देखो 4/1/8 मिक्स फ्रैक्शन में था, पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। 4 4 into 8 32 32 + 1 33, तो ऊपर आया 33/8। इसको जब डिवाइड करा तो आंसर आया 4.125, ठीक है, पूरी तरह डिवाइड हो गया, यहाँ जाके रुक जा रहा है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, तो बच्चों नोट डाउन कर लो ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, देखो क्या लिखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना है, ऐसे डिवाइड करना है, फिर देखना है टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिपीट है या नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यू नो डैट 1/7 इज 1/7 = 0.1 0.142857 बार लिखा हुआ है उसके ऊपर। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 विदाउट कैलकुलेटिंग डूइंग द लॉन्ग डिविजन? इफ सो हाउ? स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि इन्होंने दे रखा है कि 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857, 0.142857 बार। इसका मतलब क्या है? बार का मतलब क्या? हमें तो पता है कि मतलब ये पूरा ही रिपीट होता रहेगा। 7 के बाद नंबर क्या आएगा? 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। तो जब 1/7 को डिवाइड करेंगे ऐसा कुछ नंबर आता है। फिर इसने बोला है कि कैन यू प्रिडिक्ट, क्या तुम बता सकते हो कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी? 2/7 की वैल्यू क्या होगी? ऐसी 3/7 की वैल्यू क्या होगी? 4/7 की वैल्यू क्या होगी? 5/7 की वैल्यू क्या होगी? 6/7 की वैल्यू क्या होगी? इन सब की वैल्यूज हमें पूछी है, इसकी वैल्यूज क्या होगी हमें बताइए, ठीक है। तो देखिए ये कैसे करेंगे, मतलब इनको हमें सॉल्व करना है। या तो सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है? नॉर्मली डिवाइड करो, ये 2 लिखो यहां पर, ये 7 से डिवाइड करना चालू करो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर, ठीक है, यहाँ जो भी नंबर आएगा वो आपका आंसर। पर इन्होंने बोल दिया है कि हमें इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना, हमें नॉर्मली इसके हेल्प से करना है। तो देखो 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 1/7, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 2 into 1 होगा, 2 ही आ जाएगा न्यूमिनेटर में, नीचे 7 तो था ही, तो 2/7 ही है। तो 2/7 को लिखा 2 into 1/7, तो 2 into 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.142857 बार। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करिए 2 को इससे, तो या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए या मुंह जवानी कर लीजिए, ऐसे करके कर लीजिए, ठीक है। या देखो पहले 2 7 14, तो बचा 4, कैरी हुआ 1, 5 2 10 11, 4 2 8 2 16 1 17, 2 2 4 5, 4 2 8, 0.285714, और इसके ऊपर भार। तो इसका आंसर ये आया। ऐसे 3/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 1/7, 4/7 को 4 1/7, 5 को 5 1/7,
6 6 by 7 को 6 1 by 7, ठीक है। फिर इसको ले सकता हूँ 3 × 0.142857, 1 by 7 की वैल्यू यही तो दे रखी है, इसलिए ये लिख दिया। ये 4 × सेम वही नंबर, ये 5 × सेम वही नंबर, ये 6 × सेम वही नंबर, तो मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था, क्या दे रखा था हमें, फ्रैक्शन दे रखा, 1 by 7 की वैल्यू पता है, उससे हमें क्या निकालना था, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, बाकी वैल्यूज निकालनी थी। तो 2 by 7 को मैं लिखा 2 × 1 by 7, 1 by 7 दे रखा था, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 by 7 दे रखा था, 2 by 7 निकाला था, तो इंटू 2 करूंगा तो 2 by 7 आ जाएगा, इसे मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 by 7 आ जाएगा, तो सारे आंसर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म, तो वही क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 0। हमें नीचे नंबर दे रखे हैं, जैसे कि पहला नंबर क्या दे रखा है, मैं इरेज कर देता हूं सर, अब तो ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हम ये इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, हमने लास्ट वाला क्वेश्चन हमने देखा था, ये सारे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहले रिप्रेजेंट करना है 0.6 बार, ठीक है, 0.6 बार को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पता है इसका मतलब क्या है, 0.6 बार का मतलब 0.666 चलता ही आ रहा है, तो मैं जल्दी से लिख दे रहा हूं, ठीक है, वैसे ही करेंगे। तो लेट एक्स को लिखा 0.666, ये क्वेश्चन नंबर वन। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले आप लिखो इसे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, तो क्या बनेगा ये 10x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्यों 10 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला, डेसिमल के बाद के सारे नंबर सेम हो गए, और जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें किसे रिमूव करना था, जो प्रॉब्लम दे रहा था, प्रॉब्लम कौन दे रहा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट। तो अब जब मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू क्या दे रखा है 6 पॉइंट, ये दे रखा है, और इक्वेशन नंबर 1 क्या दे रखा है, x इक्वल टू 0.6666। इसे जब सब्ट्रैक्ट करूंगा देखो डेसिमल के बाद का सारा नंबर सेम है ये, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा 0, और यहाँ क्या बचा 6 माइनस 0 6, यहाँ क्या बचा 10x माइनस x 9x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 बाई 9, x की वैल्यू क्या आ गई 6 बाई 9, x हमने क्या लिया था 0.6 बार, इसी तो x लेट कर रहा था, तो x की वैल्यू क्या आई 0.6 बार की वैल्यू क्या आई 6 बाई 9, इसी को तो सिंप्लीफाई करके लिख दो 2 बाई 10, इसका मतलब जो 2 बाई 3 को डिवाइड करेंगे तब जाके ये नंबर आएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी क्यों लग रहा है, या वो मुझे टाइम क्यों नहीं लगा, आपको भी ऐसे टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि पहले हम इसे समझ रहे थे कि हमें क्या करना था, तो इसलिए उसमें टाइम लगता है, पर एक बार जब समझ लेते हैं करने में कितना टाइम लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का जो सेकंड पार्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कर रखा है, पार्ट टू देखो, यहाँ क्या रिप्रेजेंट करना है 0.47 बार, ठीक है, ये ध्यान रखना है सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ठीक है, 4 के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब है 0.4, फिर 7 7 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है, 4 एक बार ही है, तो पहले लेट करो, लेट x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था वीडियो में, पिछले वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था कुछ इस टाइप का था, 13.25656, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद सारी जो रिपीट हो रहे थे वही नंबर है, सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ 666 जो रिपीट हो रहा था वही है। यहाँ देखो पॉइंट के बाद पहला नंबर 4 है, उसके बाद रिपीटेशन चालू हो रही है, तो इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीट वाले नंबर होने चाहिए, तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 1 डालो सर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1
बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और ये डेसिमल मुझे एक प्लेस से शिफ्ट करना था, ठीक है, तो शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो 4.777 बार हो जाएगा। अब देखो ये जो नंबर बन गया है वो कुछ इस टाइप का बन गया है कि डेसिमल के पास सिर्फ रिपीटिंग नंबर ही है, डेसिमल के पास सिर्फ रिपीटिंग नंबर ही है, ठीक है। अब इसमें करो, अब इसमें नंबर क्या है, हमें रिपीटिंग वाले हटाने, अब इसमें मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/10, ठीक है। अब हमारे लिए जो ये है वो अब ये वाला स्टेप है, ठीक है, यहां आपने x को ये नंबर माना था, यहां पर हमने 10x को ये नंबर माना है, ठीक है। अब ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/10, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्यों, तभी रिपीटेशन वाले नंबर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 100x, ये 47.777, ठीक है। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 3 क्या है, 100x इक्वल्स टू 47.777, और इक्वेशन 2 क्या है, 10x इक्वल्स टू 4.777। देखो ऐसे करने से क्या होगा, जो डेसिमल वाले पार्ट है वो मैच करके पॉइंट के बाद दोनों में ही 777 है, तो ये कैंसिल हो गया, बन गया 0, और 47 माइनस 4 बना 43, और इधर क्या बचा, 100x माइनस 10x 90x, 100x माइनस 10x 90x, तो x की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 43/90, सिंप्लीफाई हो रहा है ये, अभी के तो नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं। तो x क्या था, 0.47 बार, तो उसको आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 43/90, तो 0.47 बार का अगर p/q रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, 43/90, समझ में आया, चलो। पर नॉर्मली ये याद रखना, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले एक एग्जांपल कराया था जहां दो दो नंबर रिपीट हो रहे थे, जैसे ये 3.2424, यहाँ दो दो नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना, तो बन जाएगा 324 × 2424, समझ में आया, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करा, दो नंबर रिपीट हो रहा है तो 100 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो देखो लास्ट पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट देखो, नंबर दे रखा है 0.001 और इस तीन के ऊपर बार है, 0.001 और इन तीनों के ऊपर बार है, तो मतलब रिपीट क्या हो रहा है, 001 फिर 001 फिर 001 001 001 ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर भी पहले से x एज्यूम करो, तो लेट x इक्वल टू 0.001 बार लिखो या ऐसे करके लिख के दिखा दो। अब देखो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करें, 100 से करें, 1000 से करें, एक बार 10 से करके देखो, देखो 10 से करूंगा तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा, तो नंबर क्या बनेगा, ये 10x बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, 0.0, डेसिमल यहाँ आ गया ना, डेसिमल के बाद एक जीरो फिर वन फिर 001 001। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देखो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक जीरो फिर 1 001 001, यहाँ डेसिमल के बाद दो जीरो फिर, तो जब सब्ट्रैक्शन कर भी दूंगा तो डेसिमल पूरी तरह कैंसिल नहीं होगा, तो मेनली जो हमें प्रॉब्लम दे रहा था वो अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है। तो 10 से करना सुटेबल नहीं है, 100 से करके देखो, 100 से करूंगा तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 से पहले, तो नंबर क्या बनेगा, 0.1001001 डॉट डॉट डॉट। अब भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है, 1001, जैसे सब्ट्रैक्ट कर भी दूंगा तो अब भी एलिमिनेट नहीं होगा, तो यहां पर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। जैसे ही 1000 से करूंगा देखो अब क्या हो जाएगा, डेसिमल शिफ्ट होके जाएगा यहां पर 1 के बाद, तो बनेगा 1.001001 डॉट डॉट डॉट, या और एक बार लिख दो 001। अब 1000 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा, अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, डेसिमल के बाद 001001001, यहां पर भी डेसिमल के बाद 001001001। अब जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाए, तो एलिमिनेट हो रहा है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, ठीक है। तो सिंपल सा एक थंब रूल मान लो कि जितने भी नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, दो रिपीट हो रहा है तो 100 से, जैसे यहाँ तीन रिपीट हो रहा है तो 1000 से करना पड़ेगा, और 10 100 से मल्टीप्लाई करने से क्यों नहीं चल रहा वो मैंने समझा दिया, क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो पा रहा, ठीक है।
तो यहां हम लिखेंगे इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट करो, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किससे, 1000 से। ठीक है, ये कोई सपने में नहीं आ रहा नंबर, कैसे करा वो मैंने बताया ऑब्जर्व करने के बाद। तो ये क्या बना, 1000x इक्वल टू 1.001001 00 डॉट डॉट। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूंगा, तो 1000x इक्वल टू कह जाएगा 1.001001 00 01। और इक्वेशन 1 क्या है, ये रहा x इक्वल्स टू 0.001001 00 01। अब देखो डेसिमल के सारे वैल्यू सेम है, तो ये 0 आया, और इधर क्या बचा, 1 माइनस 0 1 इक्वल्स टू 1000x माइनस x 999x। ठीक है, 999x आ गया। चलो यही देखो, तो यहां से अगर मुझे x की वैल्यू लिखनी है वो क्या है, 1/9 9। ठीक है, 1/9 999, x की वैल्यू क्या आएगी, नीचे जाएगा, तो 1/99। तो हमारी वैल्यू क्या थी x की, x हमने क्या लेट करा था, ये 0.001 बार। तो मतलब 1/99 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसे रिपीट करने के बाद जाके ये नंबर बना 0.001 बार। ठीक है, अब देखो जो मैंने यहां बताया कि 1000 से मल्टीप्लाई करा, क्यों, क्योंकि 3 प्लेस रिपीट हो रहे थे। यहां देखो यहां 1 प्लेस रिपीट हो रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई करा, ऐसे जहां 2 प्लेस हो रहा तो 100 से। ठीक है, तो ये पूरा नोट डाउन कर लो, मैं साइड में खड़ा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो फिर से क्वेश्चन वही है सिंपली जो हम करते हुए आ रहे, कि 0.9999 यही हमें रिप्रेजेंट करना है, किस फॉर्म में, पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 0.333 से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, पर देखो एंड में इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये आप रिप्रेजेंट करने के बाद कुछ इसकी जो आंसर आएगा उस आंसर को ऑब्जर्व करो। ठीक है, कुछ इसमें खास बात निकलेगी, देखो क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन क्या है, इसे रिप्रेजेंट करो पी वाई क्यू फॉर्म में। तो एक्स लेट करा, एक्स इक्वल टू 0.9 बार, या कह लो 0.9999 इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई बताओ जल्दी से, किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से, क्यों, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 9 9 ही रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। तो इधर बना 10x इक्वेशन टू क्या बनेगा, 9.9999 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1। तो ये क्या बना, 10x इक्वेशन टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 0.999। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो यहाँ क्या बच रहा है, डेसिमल के बाद सारे सेम है, तो ये 0 डेसिमल के बाद, और यहाँ क्या बचा, 9, और 10x माइनस x क्या बचेगा, 9x। तो हमें मिला 10 9x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 9 बाई 9 x इक्वल्स टू 1। और x हमने क्या एज्यूम करा था, 0.9 बार इक्वल्स टू 1। जो 0.99999 जा रहा है वो इक्वल टू क्या है, 1। तो मतलब मुझे कोई ये बताओ कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसे डिवाइड करने के बाद 0.999 आए। अगर मैं बोलूं कि मुझे ये बताओ कि 0.3333 आए, ऐसा एक नंबर बताओ, तो अब बताओगे कि ये 1/3 है, तो इसे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.3333 आएगा। पर मैं पूछ रहा हूँ कि 0.999 आए नंबर, ऐसा कोई नंबर बताओ। तो इस मेथड से जब हमने सॉल्व करा आंसर क्या मिला, 1। इसका मतलब जब 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.9999। थोड़ा ये अलग है, क्यों अलग है, यहां पर आपको एक फ्रैक्शन मिल रहा था, यहां पर 1/1 ही मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 0.999 जब देखोगे अप्रोक्सीमेटली वो किसके बराबर है, अगर लिमिट देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली वो 1 के बराबर है, तो इसलिए ये क्वेश्चन एडिशनली डाला गया है। तो 0.999 आए, कोई पूछे किसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो, तो आंसर इसका 1 है। ठीक है, ये आप याद भी रखना इसे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/70, परफॉर्म द डिविजन टू चेक योर आंसर। कह रहे कि जो नंबर है वो क्या है, 1/17 है,
जो नंबर है वो क्या है, 1/17। कह रहे जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कोई डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, कुछ आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो कह रहा है पहले ये बताओ ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो तो डिवाइड करने के बाद पता लगेगा, पर इतना मैं जरूर बता सकता हूं कि ये रिपीटिंग होगा। कैसे? ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा है। एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट करेगा, ठीक है, और अगर टर्मिनेट ना भी करे लेकिन वो रिपीट जरूर करेगा। तो अगर ये पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा है इसका मतलब ये गारंटीड रिपीट करेगा कहीं ना कहीं जाके। 0 पॉइंट हो सकता है 10 नंबर के बाद रिपीट करे लेकिन रिपीट जरूर करेगा। तो इसने वही पूछा है कि जब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसमें कितने नंबर हो सकता है, ये 0.12345678 ऐसे करके 8 नंबर रिपीट हो रहे हो एक साथ, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है कितने नंबर का है। जैसे अगर मैं यहां देखूं यहां रिपीटिंग ब्लॉक कितने नंबर का है, ये 0.9 बार है, तो यहाँ 1 नंबर रिपीट हो रहा है सर। या 0.24 बार लिखूं तो यहां पर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2424। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम नॉर्मली पहले डिवाइड करेंगे 1/17 को। 1/17 को डिवाइड करा, जो नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं, ये 0.0 लिया, नहीं वो फिर से और एक जीरो लिया तो 100 आया, ठीक है। ऐसे करके डिवाइड करते हुए सॉल्व करना है आपको, आपको चेक करना है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है, कुछ नहीं करना, नॉर्मली डिविजन करना है, उसमें फिर चेक करना है कितने नंबर एक साथ रिपीट हो रहा है। यही हमें क्वेश्चन बोल रहा है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, अभी पहले ही बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स क्यू विच इट सेटिस्फाइड। क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या लिख रखा है। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएगा, पर ये जनरल एक ऑब्जर्वेशन है। कह रहे हैं पी बाई क्यू फॉर्म में नंबर लो, कोई सी भी नंबर लो जो कि टर्मिनेटिंग हो। पी बाई क्यू फॉर्म में मतलब रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं ऐसे नंबर लो जो टर्मिनेट करे, मतलब ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर दो तरीके के हो सकते हैं ना, या तो टर्मिनेट कर जाए या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, पर हमें कौन सा लेने के लिए बोला, हमें ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर लेने के लिए बोला। तो कह रहा है ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप सोचो पहले कि जिनको डिवाइड करने के बाद एक टर्मिनेट वो आंसर टर्मिनेट कर जाए, ठीक है। कह रहा है अगर ऐसे आंसर आपको मिल जाते हैं, ऐसे फ्रैक्शन मिल जाते हैं, फिर इस क्यू की प्रॉपर्टी को चेक करो। देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 7/2, 9/10, 3/6 या 4/20, ये सारे फ्रैक्शन जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर इसका टर्मिनेट हो जाएगा। इसका आंसर 3.5 आएगा, इसका आंसर 0.9 आएगा, इसका आंसर 0.5 आएगा, इसका आंसर 0.2 आएगा, ठीक है। तो ऐसा और भी जितने भी फ्रैक्शन होंगे, अब इसको मैं जनरलाइज कर दूंगा। अभी ये तो अभी मैंने कुछ कितने एग्जाम्पल लिए, सिर्फ 4 एग्जाम्पल लिए। इनके डिनोमिनेटर्स को देखो, 2 है इसमें डिनोमिनेटर में, या 10 है, या 6 है, या 20 है। तो आप ये पाओगे कि जो डिनोमिनेटर है, जो एक क्यू है, जो एक क्यू है, इसमें या तो सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा। मतलब जो भी नंबर टर्मिनेट करता है, जो भी फ्रैक्शन डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट कर जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसे ध्यान से याद रखना, नोट डालो इसे, आगे जाके रीजनिंग में बहुत काम आता है। तो नोट नोट में लिखो, अब फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विच टर्मिनेट्स विल डेफिनेटली हैव 2 और 5 एज फैक्टर्स इन इट्स डिनोमिनेटर। टू और फाइव या
टू और फाइव, या तो ये हो सकता है या बोथ, यहाँ लिखो टू और फाइव या बोथ। देखो जो भी नंबर जो टर्मिनेट कर जाए, मतलब डेसिमल जिसका रुक जाए सॉल्व करने के बाद, डिवीजन करो रिमाइंडर जीरो आ जाए, ऐसे डिवीजन में डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ टू और फाइव होगा, उसके अलावा दूसरे नंबर्स नहीं होंगे, तभी वो डिवीजन रुक पा रहा है। देखो जैसे यहाँ टू था, यहाँ टेन है, टेन के फैक्टर्स देखो टू और फाइव ही है, फाइव टू या टेन। यहाँ देखो थ्री बाई सिक्स, अब सिक्स को देखोगे तो थ्री और टू है, पर लेकिन थ्री बाई सिक्स को मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ वन बाई टू, डिनोमिनेटर में सिर्फ टू है तो अल्टीमेटली टू ही आएगा। ये ट्वेंटी है तो ट्वेंटी क्या लिखोगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव, ठीक है तो टू और फाइव मिलेगा। ऐसा कोई सा भी नंबर लो, कोई सा भी फ्रैक्शन लो जो टर्मिनेट करेगा, उसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ही होगी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ टू और फाइव ही होगा। अब बचेंगे सर, ऐसा कोई सा भी नहीं होगा फ्रैक्शन जिसमें सिर्फ टू और फाइव के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा, मैं कहूंगा नहीं। मैं सर देख लो सर, आपने सिर्फ चार के लिए बोला है, मतलब मैंने सिर्फ चार फ्रैक्शन लिए हैं, इन चार फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करके मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में जितने भी फ्रैक्शन है उसमें अगर टर्मिनेट हो रहा है तो टू और फाइव ही होगा डिनोमिनेटर में। देखो मैं ये कैसे कह पा रहा हूँ, सिर्फ चार को देख के ही मैं ये कैसे ऑब्जर्व करके बता पा रहा हूँ कि सिर्फ टू और फाइव होगा। तो चलो पहले तो एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर कंप्लीट करते हैं। उसने बोला था कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो जो टर्मिनेट करे, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। फिर उसे बताओ कि वी हैव ऑब्जर्व दैट ऑल द डिनोमिनेटर्स ऑफ दैट फ्रैक्शन विच कैन बी टर्मिनेट विच कैन बी टर्मिनेटेड हैव आइदर टू और फाइव, उसमें या तो सिर्फ दो है या पांच है। तो ये तो अपना एनसीईआरटी के हिसाब से सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इन चार को देख के कैसे कह पा रहा हूं कि इस दुनिया में जितने भी फ्रैक्शंस होंगे जो टर्मिनेट होंगे उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ टू और फाइव होगा। देखो टर्मिनेट होने के कोई से भी एग्जाम्पल दो मुझे जो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। 2.3456, ये बच्चा कह रहा है सर ये तो बहुत बड़ा ले लिया, छोटा ले लो 2.3 ले लो, ये सारे टर्मिनेट है। 3.654, 3. या और 10 नंबर लिख दूं क्या, कोई सा भी नंबर लो, मतलब जो भी टर्मिनेटिंग होगा उसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ ऐसे ही आएगा, हो सकता है 0.0012 आए, ठीक है ऐसे कुछ नंबर होगा, तभी तो अभी से कह रहा हूँ टर्मिनेटिंग है। इन सारे ही फ्रैक्शंस को मैं किस फॉर्म में ले सकता हूँ, देखो 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई चार जीरो है, इसको क्या ले सकता हूँ 3, 6, 5, 4, 1000, इसको क्या ले सकता हूँ 23/10, इसको क्या ले सकता हूँ 12/। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे उनके नीचे क्या आ रहा है, 10 क्या आ रहा है, और 10 के इसके फैक्टर्स देखोगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, 2 और 5 मिलेगा, इसमें सिर्फ 2 और 5 ही होंगे। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट कर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जिनके डेसिमल के बाद नंबर रुक जा रहा है, तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अरे हाँ या नहीं, तो नॉर्मल है, तो पहले भी पढ़ा है। अगर मान लो 23/10 कर रहा है तो आंसर क्या लिखते हो, 2.3 लिखते हो ना, तो उसको मैं उल्टा ही तो पूछ रहा हूँ कि 2.3 को क्या लिख सकता हूँ 23/10। तो मतलब जितने भी टर्मिनेटिंग है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में 100, 1000, 10,000, लाख, मिलियन, बिलियन, कुछ भी करके लिख सकते हो जितने भी नंबर होंगे। तो अगर इस फॉर्म में लिख पा रहे हो तो देखो यहां पर क्या है, 2 और 5 है, यहां पर क्या है, 2 और 5 है, फैक्टराइज करके देख लेना 2 और 5 ही मिलेगा, ठीक है। 10 के फैक्टराइजेशन करो क्या मिलेगा, 2 और 5, ये क्या है 10,000 है, 10,000 मतलब 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 को मैंने ऐसे लिखा 10, और 10 को लिखा 2 × 5 की पावर 4, 4 तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, इसका मतलब इसका जब फैक्टराइज करूंगा 2 4 बार आएगा, 5 4 बार आएगा, लेकिन सिर्फ 2 और 5 ही आएगा, उसके अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम में नहीं आएगा, आ सकता है ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, ट्रू फॉल्स में ऐसे दे देगा कि अगर डिनोमिनेटर में कोई दूसरा नंबर है 2 और 5 के तो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो आप ट्रू फॉल्स में आंसर देंगे। तो आप ये याद रखेंगे जो मैंने नोट में लिखा है, पर जो मैंने ये समझाया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, कि जितने भी ऐसे नंबर होंगे जो टर्मिनेट करेंगे उनके डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो या तो किस फॉर्म में होगा, 2, 5 के मल्टीपल्स में होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर क्या लिख रखा है, राइट थ्री नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है कि ऐसे दो तीन नंबर लिखो, तीन लिख दो, चार लिख दो, जितने मर्जी लिख दो, जो कि कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे नंबर लिखो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, हमें ऐसे नंबर लिखने हैं, ऐसे तीन एग्जांपल देने हैं। तो एग्जांपल दे दो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अपने मर्जी से एग्जांपल दो। पहले तो मुझे नॉन टर्मिनेटिंग करना है। तो मान लीजिए मैंने पहला नंबर 3 लिखा, डेसिमल लगाया, 2 4 5, 2 4 5 ऐसे करूंगा, डॉट डॉट लगाया, तो नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? मैंने डॉट डॉट लगा दिया तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। पर लेकिन सेकेंड कंडीशन देखो, नॉन रिपीटिंग, हमें क्या चाहिए? नॉन रिपीटिंग। पर यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 2 4 5, 2 4 5 रिपीट हो रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसको कुछ इस तरीके से आंसर दो। देखो, 1 0 लिखो, फिर 1 लिख दो, फिर 2 0 कर दो, 1 लिख दो, फिर 3 0 कर दो, 1 लिख दो, कोई चीज रिपीट हो रही है? तो नॉन रिपीटिंग कंडीशन सेटिस्फाइड। नॉन टर्मिनेटिंग बोला है तो डॉट 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 लगा दो। और नंबर लेना है तो 0 0 1 1, 0 0 0 1 1, 0 0 0 000, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। बस ये याद रखना कि रिपीट ना हो, उसे नॉन टर्मिनेटिंग शो कर देना। तो ये एक नंबर हो गया। तीन कोई से भी एग्जांपल दे सकते हो आप, 0.123, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। देखो इसमें क्या हो रहा है, डॉट 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 लगाया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और फिर मैंने नंबर क्या लिया है, पहले 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर बनाते रहो। ठीक है, इसमें तो तीन पूछे हैं, कितने भी पूछ ले हम ऐसे नंबर बनाते रहेंगे। समझ में आया? तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो बच्चों अगर कुछ याद आ रहा हो तो बता भी दो। इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते थे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की तो डेफिनेशन होती है कि इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसी तो हम क्या बोलते थे? इरेशनल नंबर बोलते थे। तो एक्चुअली जो आपने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं वो किसके एग्जाम्पल्स दिए हैं? इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो अगर ऐसा, अगर कोई पूछ रहा है, अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ के कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब इरेशनल है, तो भाइयों अगर ये भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आंसर √2 दे देना, √3 दे देना, पाई दे देना, √5 दे देना, क्योंकि ये सारे भी क्या है? इरेशनल है। टीचर भी खुश हो जाएगा कि बच्चे को ये पता है। फिर टीचर ने क्या लिखा था क्वेश्चन में? सिर्फ लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बताओ। तो बच्चे ने क्लिक करा कि यार ये तो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के जो फेमस एग्जांपल्स हैं वही दे दो, √2 √3 π। या अगर नहीं समझ में आ रहा, ये क्लिक नहीं हुआ, तो ऐसे करके एग्जांपल दे दो। दोनों ही तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से पढ़ो एक बार और ध्यान से पढ़ना, और मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ। पहला जो फ्रैक्शन है वो क्या है? 5/7। 5/7 और दूसरा क्या है? 9/11। ठीक है, 5/7 और 9/11 के बीच में मुझे तीन इरेशनल नंबर बताने। तो चलो मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ। तो मैंने सॉल्व करता हूँ, देखो 5/7 ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो एलसीएम 7 और 11 का एलसीएम कितना आता है बच्चों? 77 आता है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने ये बनाया, तो 55/77 हो गया। ऐसे ही 9/11 को डिनोमिनेटर सेम करना है मुझे, इनका एलसीएम क्या रहा है? 7, एलसीएम ऑफ 7 एंड 11, किसी को अगर नहीं याद है, ये तो पहले भी कर चुके हैं हम। तो डिनोमिनेटर में 77 बनाना है, तो 11 को क्या मल्टीप्लाई कर दो? 7, तो वही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 7 63। ठीक है, इतना करेक्ट है। 5/7 दे रखा था, डिनोमिनेटर मैच करा, 11 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो क्या बनेगा? 55/77। ऐसे यहाँ पर नीचे 77 चाहिए था, तो 7 से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे, तो ऊपर बना 9 7 63 और नीचे बना 11 7 77। डिनोमिनेटर मैच कर गए, तो 55 और 75/77 और 63/77 के बीच में हमें कितने नंबर बताने हैं? तीन नंबर बताने हैं, बता दो जल्दी से। 56/77, 57/77 और कितने हैं? 58 है, फिर 59 है, 60 है, 61 है, 62 है, हमें कितने बताने? सिर्फ तीन बताने, तो कोई से भी तीन बता देना। ठीक है, चलो।
बच्चों देखो, ये जो मैंने करा है ये पूरा का पूरा गलत है, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, पूरा सही करवा के, क्योंकि ये आप भी करने वाले थे। क्वेश्चन में बोला है इरेशनल नंबर बताओ, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे वही आंसर गलत हो जाएगा। 5/7 और 9/11 के बीच में तीन इरेशनल नंबर पूछे हैं, ना कि रैशनल नंबर पूछे हैं। रैशनल नंबर पूछता तो ये आंसर होता, इरेशनल नंबर पूछेगा तो ये आंसर एकदम गलत है। ठीक है, समझ में आया? ये कैसे नंबर मैंने बता दिए, तो ये रैशनल नंबर है, तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इसके बीच में नंबर बताना है तो वही याद रहता है, हाँ ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना है, और आंसर क्या बता देते हैं, रैशनल नंबर। पर लेकिन हमें क्या बताना है, इरेशनल नंबर। तो अब देखो, ये ऐसे, ये भी आपको लिखना है, फिर ऐसे काट देना उसे, ठीक है, कि हमें इरेशनल नंबर बताना है, और हमने क्या बता दिया, रैशनल। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, रैशनल पूछा इरेशनल पूछा उसे देखना। तो 5/7 और 9/11 थोड़ा सा इसे डिवाइड कर लो, थोड़ा सा बस, डेसिमल के बाद एक डिजिट पता कर लो 5/7 का। ठीक है, देखो 5/7 का डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करते हैं, तो 0.0 लिया, 7 7 जा 49 लिया, ये 1 बचा, फिर डेसिमल 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, इतना काफी है, हमें बस एक चाहिए था, मैंने 2 निकाल दिया, तो आंसर कितना आ रहा है, 0.71 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, ऐसे जब 9/11 का भी निकाल के देख लो एक बार, ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ। 9/11 का तो 0.0 करा, डेसिमल लिया तो 0 आया, 11 से किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8 से करते हैं, तो 88, तो 0.8 समथिंग आ रहा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे बस एक डेसिमल चाहिए, तो यहाँ क्या आ रहा है, 0.8। ठीक है, मतलब ये 9/11 का जो है ये 0.8 समथिंग कुछ भी आ रहा हो मुझे उससे मतलब नहीं, यहाँ पर 0.71 कुछ भी आ रहा हो उससे मुझे मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे तो इसके बीच के नंबर बताने हैं। ठीक है, अब देखो कैसे बताऊंगा, इतना करने के बाद मुझे इन दोनों के बीच के नंबर बताने हैं, मतलब जो नंबर है वो 0.71 से बड़े होने चाहिए, और 0.8 समथिंग है वो पता नहीं, लेकिन 0.8 से कम होने चाहिए। तो देखो 0.71 से बड़े नंबर क्या हो सकते हैं, 0.72 हो सकता है, 0.7, अगर ये 1 की जगह मैं 2 कर दूं तो उससे बड़ा हो जाएगा ना वो, तो 0.72, 0.73, 0.74, ऐसे करते करते हम 0.79 तक जा सकते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 0.8 आ जाएगा, जो 9/11 का है लगभग। तो हमें इन नंबर्स के बीच में एग्जांपल देना है, कैसे देंगे, अगर मैं ये वाला आंसर रिपोर्ट करूं कि सर आपने नंबर लिख तो दिए, यही यही आंसर है, बच्चों ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है मतलब ये कैसे आंसर्स हो गए, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हो गए, हमें इरेशनल नंबर चाहिए। तो देखो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ, पहला जो पहला नंबर है वो लिख देता हूँ 0.72, 0.72, 7 2 2, 7 2 2 2, अपने हिसाब से कुछ भी बना रहा हूँ, क्यों, इरेशनल नंबर बोला है, तो दो चीज याद रखना, पहले तो डॉट 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 लगाना मत भूलना, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, दूसरा रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो मुझे पता लगा 0.71 से बड़ी नंबर बनानी है, तो मैंने 0.72 ले लिया, तो इससे गारंटीड बड़ा ही है, क्योंकि इससे और इसके बीच में बताना है ना आंसर, तो इससे बड़ा नंबर चाहिए था, सॉरी इससे बड़ा नंबर चाहिए था। ठीक है, तो 0.72 लिया, अब मुझे एक पैटर्न नहीं बनाना है, ठीक है, तो 0.7 लिखा, फिर 7 लिख गया, फिर 2 बार 2 रिपीट कर दिया, फिर 7 लिखा, फिर 3 बार 2 रिपीट कर दिया, तो आप देखोगे कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे कोई मुझे बताइए और एक एग्जाम्पल दो, तीन बताने हैं ना, चलो मैं 5 बताऊंगा, 0.72 ही ले लिया मैंने फिर से, अब यहां पर 7 को रिपीट कर दो, दो दो बार 0.72, 7 7, फिर 2 लिखो, 7 7 7, 3 बार रिपीट कर दो, फिर 2 लिखो, 4 बार 7 को रिपीट कर दो, डॉट डॉट डॉट, तो ये भी एग्जांपल है, ये नंबर भी इन दोनों के बीच में ही तो है, और ये कैसा है, इरेशनल है, तो आंसर सही है। ऐसे 3 अभी भी बना सकते हो, 0.72 है, 1 1 0 0 कर दो, 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1, मतलब कुछ भी बनाओ जो रिपीट ना हो बस, ठीक है, ये याद रखना, ये भी रैशनल नंबर है। और बताने है? और बता दो, 0.7 हम कहां तक जा सकते हैं, 0.8 तक जा सकते हैं, तो 0.79 तक बना लो, 0.5 ले लो, 9 ले लो, 6 ले लो, 0.76 ले लो,
1 से बड़ा होना चाहिए और 0.8 से छोटा होना चाहिए। तो 0.79001000001000001। तो सारी एग्जांपल्स कैसे इरेशनल नंबर। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो बहुत इजी है, और कितने मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ढंग से रीड करा होगा तो। अगर रैशनल नंबर रीड कर जाओगे तो ये करके आओगे जो कि गलत हो जाएगा, और इरेशनल नंबर ऐसे निकालना है। कैसे निकाला, फिर से देखो, जो भी नंबर दे रखा था उसको पहले थोड़ा सा डिवाइड करके देखा, पूरा डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, और ये आपको करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, ये आप रफ में करिए कि 5/7 अप्रोक्सीमेटली 0.71 होता है और 9/11 0.8 समथिंग होता है। तो मुझे पता लग गया कि 0.71 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने नंबर स्टार्ट करा 0.72 से। ये देखो, अगर इतना नंबर है, ये क्या है, 0.71 से बड़ा है, तो ये सारी नंबर 0.71 से बड़े हैं और 0.8 से छोटे हैं, पर ये इरेशनल भी है। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मैंने कैसे शो करा है, डॉट 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 बना के। और दूसरा, ये नॉन रिपीटिंग है, मैंने एक भी नंबर को रिपीट नहीं करा, सेट को रिपीट नहीं करा। 0.72 है, फिर 7 2/2 आ गया, फिर 7 3/2 आ गया, तो रिपीट कोई सेट नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, क्लासिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल नंबर और इरेशनल। हमें नंबर दे रखा है, हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो पहला नंबर देखो, √23। तो बच्चों देखो, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि रैशनल और इरेशनल नंबर को तो देख के बता सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम देख के नहीं बता सकते। मैं अगर तुम्हें बताऊं कि √2 है, बताओ ये रैशनल है या इरेशनल है, तो भैया मैं ऐसे नहीं बता सकता। √2 का मुझे पहले एक्सपेंशन पता होना चाहिए, वहां पर मैं देखूंगा कि टर्मिनेट हो रहा होगा तो मैं बोल दूंगा रैशनल है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है और कोई भी वो रिपीट भी नहीं कर रहा तो उसे तभी मैं बोल पाऊंगा इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल मैं देख के नहीं बता सकता, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, तो जैसे कि √23 है तो इसको मैं कैसे बताऊंगा, तो या तो पहले 23 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, ठीक है। यहां से जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो यहां पर आंसर मिलेगा, ठीक है। जो भी आंसर आए, ये 4 पॉइंट समथिंग आता रहेगा, ठीक है। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर 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 टर्मिनेट हो जाता है तो आप इसे क्या बोलेंगे, रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग है, एंटी लिख रहा हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो तब भी आप इसे क्या लिखेंगे, रैशनल। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग तब आप इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल। समझ में आया? तो ये बताने के लिए आपको क्या चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। तो √23 की वैल्यू पहले निकालो, फिर देखो कि वो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है तो रैशनल बताओ, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है तो रैशनल बताओ, टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा तब जाके आप उसे क्या बताओगे, इरेशनल। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, पर जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में बोले थे कि कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स याद रखना इरेशनल के, ठीक है। या तो ये तरीका है पूरा सॉल्व करके देखो, या जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये सारी एग्जांपल्स कैसे हैं, इरेशनल नंबर के हैं, ठीक है। तो ये भी इरेशनल है। फिर अगला नंबर दे रखा है √225। अब इसे देख के मत बोल देना कि इरेशनल है, थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। इसका आंसर 15 होता है, √225 करोगे तो 15 आएगा। ये मैंने कैसे पता करा, उस दिन मैंने एक ट्रिक बताया था कि किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट अगर 5 हो उसका मुझे स्क्वायर करना हो तो मैं बहुत इजीली कर लेता हूँ। कैसे, उस दिन मैंने शेयर भी करा था आपको, 15 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, 5 के आगे जो भी नंबर है वो क्या है, 1 है, तो 1 को नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2, 2 और 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा, 2, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, बताया था ना ये। जैसे कि मान लो मुझे 35 का स्क्वायर करना है तो 5 से पहले वाला नंबर क्या है, 3, 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 4, 4 3 जा क्या करो 12, और 5 का क्या लिख दो, 25, तो 35 का स्क्वायर करूंगा तो 12 25 आएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर था 225, ये किसका स्क्वायर रूट है, 15 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या है, 15, और ये कैसा नंबर है, रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर है, क्यों, टर्मिनेट करके, कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखो 0.3796, पार्ट थर्ड देखो इसका, 0.3796, ये बताओ रैशनल है, रैशनल है भैया, देखो टर्मिनेट कर गया ना,
डेसिमल तो यहाँ जाके रुक गया, 0.376 डिविजन कंप्लीट है, तो टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखो 7. अगला पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट, 7.478478 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 लगाया, फिर देखो 478478 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन बट रिपीटिंग है, तो ये भी कैसा नंबर बन गया, रैशनल नंबर बन गया, ठीक है, तो इसका आंसर भी रैशनल। लास्ट वाला पार्ट देखो, लास्ट वाला पार्ट है 1.1010001000100001. सबसे पहले तो डॉट 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 देख के क्या पता लग गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर देखो रिपीट कुछ नहीं हो रहा, यहाँ 10 है, फिर 100 है, फिर 1000, फिर 1400, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में 1.3 तक के सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है, सब डिटेल में समझाया, आप इसको रिवाइज करिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू।